हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। और ये वीडियो ना स्टार्टिंग का रिवर वाला, पहाड़ वाला पुराना है, हिमाचल का है फ्रेंड, और बारिश के मौसम का है। तो अभी तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है अच्छी खासी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती थी, तो उनके यहाँ हम गए थे ना, तब ये वीडियो हमने बनाया था। तो उसका अभी एक दो दिन पहले ही फ़ोन आया था, बात हुई थी, वो बोल रही थी दीदी आ जाओ, अच्छी बर्फ़ लगी हुई, ठंड भी खूब है। तो वो लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड, किचन में तंदूर जला के रखते हैं, और वो तंदूर ना इतना गर्म कर देता है घर को बहुत अच्छा खासा। और वहाँ पे ना बस बैठे रहो यही मन करता है, वहाँ से उठने का मन नहीं करता है। तो जब मैं हिमाचल रहती थी ना, तब वो बहुत बोलती थी दीदी घर पे आओ, तो मैं उसको यही बोलती थी अच्छी बर्फ़ पड़ेगी ना तब तंदूर के पास बैठने के लिए आऊँगी मैं तुम्हारे यहाँ पर, तो इसीलिए बोल रही थी कि आ जाओ। तो फ्रेंड आज मैं आपके साथ में बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और सर्दियों में सबको बहुत अच्छी लगती है। तो ये है मेथी मटर मलाई की रेसिपी फ्रेंड। तो अभी है ना इसको मैंने मेथी ले ली थी, और इसको अच्छे से कट करके और वॉश भी कर लिया था अच्छे से। तो अभी है ना इसको थोड़ा सा तेल डाल के और इस तरह से पका लेती हूँ, चलाते जाना है, इसको ढकना नहीं है। और ये हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो जाए ना, बस इतना ही इसको पकाना है। और ये देखिए अब मैंने इसको निकाल लिया है, जरा सी हो गई है, क्योंकि सब्ज़ी भी मैं जरा सी बनाने वाली हूँ, क्योंकि हम दो जने हैं तो कितनी सब्ज़ी लगती है, इसलिए मैं थोड़ी ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल और डाल लिया है, अभी मैंने डाल दिया है इसमें लहसुन और प्याज, हरी मिर्च, वो सब मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करने के बाद। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च भी डाल देती हूँ फ्रेंड, और इनको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद ही टमाटर डालेंगे। और मैंने दो मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको थोड़ा सा बड़ा ही कट किया था फ्रेंड। तो इनको पका लेंगे अच्छे से, और पूरी सर्दी निकल गई फ्रेंड, लेकिन तब कुछ भी नहीं हुआ। और वैसे तो मेरी इम्यूनिटी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जल्दी से ना मेरे वैसे तबीयत ख़राब नहीं होती है, और बाकी और चीज़ें तो साइड में हैं खैर, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार वो सब बहुत कम होता है मुझे। तो पूरी सर्दी निकल गई फ्रेंड, लेकिन जुकाम भी नहीं हुई थी। और कल क्या है ना, मैंने नारियल पानी पी लिया था, वो भी रात के टाइम, तो अभी सुबह को है ना अच्छी खासी जुकाम लगी हुई है। और ग्रेवी के लिए जो ये टमाटर प्याज मैंने पकाए थे ना, ये ठंडे हो गए फ्रेंड, तो इसको अब मिक्सी में पीस लूँगी, और अच्छा बारीक पेस्ट बनाना है इसका। और इसमें ना थोड़ा सा मूँगफली का पाउडर भी डालूँगी, अगर आपके पास काजू है ना फ्रेंड तो काजू भी डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर काजू नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये मूंगफली ना काजू का ही काम करती है, तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, अगर काजू नहीं होता है मेरे पास तो मैं इतनी सी मूंगफली डाल के और इस तरह से ग्रेवी बना लेती हूँ, इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है तेल में, इसके बाद वो जो ग्रेवी मैंने बनाई थी वो भी डाल देंगे। अगर आप चाहो तो बहुत बारीक छलनी तो नहीं, लेकिन थोड़ी मोटी वाली छलनी से इसको छान सकते हो, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा, मतलब आपको बिल्कुल बारीक पेस्ट चाहिए ना तो आप छान सकते हो, वरना ठीक है चल जाएगा इतने में भी काम। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च डाली है फ्रेंड, और ये डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। और ये सब्ज़ी ना फ्रेंड मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, और अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी, लेकिन मैंने उसको शेयर नहीं किया था, और वो भी बहुत टेस्टी बनी थी, और ये वाली भी बहुत ही अच्छी बनी है। यहाँ पर मैंने अभी नमक भी डाल दिया है, और इस ग्रेवी को अच्छे से पकने देंगे। और मटर ना आज मेरे पास थोड़े से कम थे, मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है, मैं जब भी कोई चीज़ की प्लानिंग करती हूँ ना तो एक चीज़ आ जाएगी, दूसरी नहीं आएगी, दूसरी आ जाएगी, तीसरी नहीं आएगी, क्योंकि अभी मेरे पास फ्रिज भी नहीं है ना, तो मैं स्टोर भी नहीं करती हूँ, और जल्दी जल्दी से चीज़ों को बनाती रहती हूँ। तो आज मटर इतने ही रह गए थे, आप अच्छे खासे मटर डालना इसमें, बहुत ही अच्छी बनेगी, और वैसे भी अच्छी बनी थी ये तो, लेकिन ये इसका नाम ही मेथी मटर मलाई है ना, तो मटर ज़्यादा होना चाहिए फ्रेंड। तो कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास नहीं थे, पर फिर भी मैं इसको अच्छी ही बनाई हूँ। और यहाँ पे मैंने मेथी भी डाल दी है फ्रेंड, और अभी मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ फ्रेंड, बस ये रेसिपी वगैरह शूट करके डाल देती हूँ। तो ये क्या है ना, कम टाइम भी लगता है इसमें, और मतलब है ना जल्दी एडिट हो जाती है, पूरा दिन का व्लॉग हम शूट करें तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। और अभी ना थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ मैं, इस वजह से नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं पूरे दिन का वीडियो शूट किया करूँगी, पूरा रूटीन आपके साथ शेयर किया करूँगी। और यहाँ पे ना सब्ज़ी पक गई थी लगभग, और मटर भी पक गए फ्रेंड अच्छे से, और इसमें मटर ना सॉफ्ट वाले ही लेने हैं फ्रेंड, जो
पके पके से मटर आते हैं ना थोड़े हार्ड, वैसे नहीं लेने हैं। और इसके बाद ये मलाई है, घर की बनी हुई मलाई है फ्रेंड। दूध काफ़ी अच्छा आता है हमारे यहाँ पे, भैंस का दूध आता है और पहले तो गाय का आता था, तो भैंस के दूध में तो आपको पता है अच्छी खासी मलाई निकल जाती है। तो ये मैंने 3 से 4 चम्मच डाल लिए फ्रेंड, काउंट तो नहीं किए लेकिन देख लीजिए आप, अच्छी खासी मलाई डालनी है इसमें, मलाई से ही इसमें टेस्ट बैठता है। और ये देखिए मलाई डालते ही सब्जी का कलर भी चेंज हो गया, बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। और अब ये पक गई है तो इसको सर्विंग बाउल में डाल देती हूँ फ्रेंड। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है ना तो आप भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनती है फ्रेंड ये सब्ज़ी। और अभी सीज़न है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल भी जाएगी सब्जी मार्केट में, हरे वाले मटर भी ताज़ा बिल्कुल, और हरी मेथी भी, और मलाई तो आप चाहें तो ताज़ा दूध की निकाल के डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें झंझट भी नहीं है और टेस्ट भी बहुत लगती है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।